भाजपा कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने एमवाई का समीकरण बना दिया, यादव का जो है लालू यादव के दबाव में आपने एमवाई समीकरण पर ज्यादा फोकस किया है, मतलब वो कह रहे हैं कि आंकड़ों में गड़बड़ी है। इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें, हम उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना, और उसका उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए, और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी बचा है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है उस सबका। देखिए उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए। अब तो अपनी तो अच्छी अच्छी अब तो बीजेपी करिए कि आप वैसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो सबसे ज्यादा हमको करिए है, तो उसी को बैठने को बना दिया है, तो छोड़िए ना, हम वैल्यू देते हैं। जनता का संकल्प है, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू जी से मिल जाइए, किसी से मिल जाइए, राहुल गांधी से मिल जाइए। जनता जब संकल्प ले चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंकना है। और आप कह रहे हैं, अरे आपको तो लालू यादव कितना कुटवाए थे याद है ना, गरौल में लालू यादव जी के गुंडों ने किस तरह नीतीश कुमार जी को पीटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। और लवकुश समाज ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा देकर मुख्यमंत्री बनाया, लवकुश समाज ने गद्दी तक पहुंचाया, और ये किसी के नहीं हुए, अब किसके हुए? लालू प्रसाद जी के बेटे के हुए। लालू प्रसाद जी को बेटा को उत्तराधिकारी माना, आप मानते रहिए, बिहार की जनता इसका हिसाब। जातीय गणना के बाद अचानक से आप पर हमला, आपके परिवार पर हमला, देखिए ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते थे। लालू यादव को मैंने कहा कि लालू यादव कैंसर है राजनीति के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम भाजपा करेगी। अब नीतीश जी को लग रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अरे बिहार की जनता तय कर चुकी है नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, आप कहीं दिखने वाले। आपके पिता को सम्मान उन्होंने सबसे ज्यादा दिया। अरे नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी से 20 साल छोटे, नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है, और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीति में आने का काम किया, और लवकुश का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता है कि लवकुश समाज ने नीतीश कुमार को आगे पहुंचाया। और नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार को देने की हैसियत है क्या? नीतीश कुमार क्या देंगे? नीतीश कुमार को जनता ने दिया, और जनता ही उनको उखाड़कर